हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? आप लोग फटाफट कमेंट करो कि आप सभी कैसे हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में ज्योग्राफी का पार्ट वन लेकर मैं आ गई हूँ मौलवी एग्ज़ाम के लिए, जिनका भी 2024 में मौलवी का एग्ज़ाम है उनका मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रही हूँ। तो ये है ज्योग्राफी का पार्ट वन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं कुछ सवाल कराऊँगी, उसके ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप सभी चाहो तो ये सबको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर एक, साल 2010-11 में मंदरजा जेल में से कौन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तजारती साझेदार था? ऑप्शन है UAE, USA, चीन, जर्मनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है USA, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में से किस साल में पहला रेडियो प्रोग्राम नशर हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1923, 1927, 1936। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा पैदावार है? ऑप्शन महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मदरसा जेल में से किस मुकाम पर अव्वल जौहर तवानाई स्टेशन कायम किया गया था? ऑप्शन है कलपक्कम, नरोदा, तारापुर, राणा प्रताप सागर। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर तारापुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश्क काश्त में मंदरजा जेल में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन है रोगी, जवार, मूंगफली, गन्ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी फरूक के तस्वरात मंदरजा जेल में से किस आदमी की देन है? तो यहाँ पर है ऑप्शन प्रोफेसर अमृत सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर महबूबुल हक, फिर ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूबुल हक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मंदरजा जेल में से कौन सी बुआई फसल नहीं है, यानी जो बुआई, जो बुआई आप लोग समझ ही गए होंगे वो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रबर, चाय, गन्ना, चावल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में से कौन सी एक इक्तसादी अमलदेही बस्तियों का खास इक्तसादी अमल है? ऑप्शन है इब्तदाई, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्तदाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मंदरजा जेल में से हिंदुस्तान के किस सूबे में आबादी की कसाफत सबसे कम है? ऑप्शन है मगरबी बंगाल, फिर है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबली किस रियासत में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर किस रियासत में है? ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगरीनी किस चीज़ के लिए मशहूर है? ऑप्शन कोयला, लोहा, तांबा, हीरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा किस रियासत में वाक़ है? ऑप्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोना किस रियासत में पाया जाता है? तो ऑप्शन है झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा आप सभी का सही। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस आलूदगी के ज़रिया सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती है? ऑप्शन सूती, आबी, मिट्टी, हवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आबी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, नागपुर मंसूबा किस नकल व हमल से मुतालिक है? ऑप्शन है
आबी, सड़क, हवा, पाइपलाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क। तो ये था कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी का, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो कि वो भी यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सके। फिर मिलती हूँ ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल पर बने रहें।